मौसम बदल रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिलेगा। ये वायरल बीमारियों के चपेट में जल्द आ जाते हैं। बच्चों को फीवर, उल्टी, दस्त जैसी दिक्कतें होती है। इन हालात में कैसे सुरक्षित रहना है, देखिए क्या बोलते हैं डॉक्टर। जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित है, एक तो उसके कॉन्टेक्ट में ना जाए, उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में ना जाए। व्यक्ति, जो भी पर्सन को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो उसको प्रिकॉशन, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, जब भी वो छींके या खांसे तो हमेशा टिश्यू पेपर या रुमाल लगाकर खांसे। हाथ बार बार धोइए, साबुन से धोइए। ये पर्टिकुलरली दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, एक जो वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित है और दूसरा जो नॉर्मल है। तो जब भी कोई बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह हो, मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि कोई भी एंटीबायोटिक ना यूज करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, और जो इसका इलाज होता है वो प्रॉपर हाइड्रेशन होता है। बच्चे को खूब पानी पिलाएं, जूस, शिकंजी ये सब पिलाएं, और बुखार के लिए नॉर्मल पैरासीटामोल का प्रयोग करें, और जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर की राय लें।